जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस हम क्लास में पढ़ने वाले हैं अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। इससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें मेरे प्यारे साथियों हमने पढ़ा था टीचिंग के जो लेवल होते हैं उनके बारे में, कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। इन तीनों को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी। आज हमारा स्पेशली फोकस है लर्निंग के ऊपर कि लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा सबसे मेन मोटिव है लर्निंग को समझना, अधिगम को समझना कि अधिगम होता क्या है, किस तरीके से अधिगम होता है। अब देखो, सबसे पहले तो आपको अपना माइंड सेट सेट करना है कि अधिगम का मतलब क्या होता है। अधिगम या लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, आपका जो बिहेवियर है उसमें बदलाव लाना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कोई भी काम सीख रहे हो, आपने सपोज डैट कोई भी काम करना सीख लिया, आपने पढ़ाना सीख लिया, ठीक है, आपने एप्लीकेशन बनाना सीख लिया, आपने चलना सीख लिया, आपने बोलना सीख लिया। सपोज डैट मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ कि आपने बोलना सीख लिया, ठीक है, आप बहुत अच्छे बोलते हो, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ कि पहले आप खराब बोलते थे, आप अब अच्छे बोलने लग गए। आपने पढ़ाना सीख लिया तो आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। पहले आपको पढ़ाना नहीं आता था, आपको पहले पढ़ाने के जो स्किल है वो नहीं पता थे, लेकिन आज आपको पढ़ाने के सारे स्किल पता है, ठीक है। तो सीखना अधिगम जो होता है उसको इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सीखना। और सीखने का जो अर्थ है वो लगाया जाता है बिहेवियर में चेंज से, व्यवहार में परिवर्तन से, ठीक है। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? देखो, अधिगम क्या होता है प्यारे साथियों, लाइफ में हम अधिगम ऑलवेज करते रहते हैं, ऑलवेज करते रहते हैं। इसका मतलब है, मतलब लाइफ में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जब आपके साथ कोई ना कोई अधिगम ना होता हो। हम जिस दिन पैदा हुए हमने सबसे पहले आंख रोना सीखा, फिर उसके बाद हमने हंसना सीखा, आंखें खोलना सीखा, ठीक है, फिर उसके बाद में हमने अपनों को पहचानना सीखा, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते गए। लास्ट में जब हम मर रहे होते हैं ना, उस टाइम भी हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे होते हैं कि देखो आज मैं कौन से पड़ाव पर हूँ, आज मैं अपने सभी को छोड़ कर जा रहा हूँ, जो भी धन दौलत था, जो भी मैंने कमाया, सबको मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम उस टाइम भी सीखते रहते हैं कि यार काश मैंने अपनों को टाइम दिया होता, मैंने सही ढंग से काम किया होता, ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया अपने इस जीवन में। तो लाइफ में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं होता जहां पर हम सीखते नहीं हैं। तो अधिगम की जो प्रोसेस है ना, वो हमारे जन्म से लेकर और हमारे मरने तक सदा हमारे साथ चलती रहती है, एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। सतत का मतलब है बिल्कुल रेगुलर चलने वाली प्रोसेस है, और व्यापक का मतलब होता है बहुत अनलिमिटेड है, ठीक है। आप अधिगम कहीं से भी किसी भी तरीके का कर सकते हो, अधिगम का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कुछ भी सीख सकते हो आप, कुछ भी नया कर सकते हो आप। तो अधिगम एक अनलिमिटेड फीचर वाला है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका क्राइटेरिया नहीं है, एवरीथिंग अनलिमिटेड है इसमें, ठीक है। हम कुछ भी सीख सकते हैं, हम चल रहे हैं रोड पर तो हमने कुछ सीख लिया, आप बाइक चला रहे थे मस्त तरीके से, गाने सुन रहे थे, एयरफोन लगे हुए थे आपके कानों में और प्यार से मस्त तरीके से बाइक चला रहे थे आप, ठीक है, तुरंत आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, और जिसका एक्सीडेंट हुआ वो भी एयरफोन लगा रखा था, आप तुरंत उतरे वहां जाके देखे, आपने देखा कि यार ये एयरफोन लगा के चल रहा था, जिसकी वजह से इसको पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसका हॉर्न सुनाई नहीं दिया और पीछे वाली गाड़ी ने इसको एक्सीडेंट कर दिया और ये फिसल कर गिर गया। आपने तुरंत सीखा कि भाई मैं भी एयरफोन लगा रखा हूं, यदि ये वाले हालात मेरे साथ हो जाते तो आपने सीख लिया कि अब मेरे को जब भी ड्राइविंग करना है तब एयरफोन नहीं लगाने, मेरे को पूरा कॉन्सेंट्रेशन करना है किसके ऊपर, गाड़ी चलाने के ऊपर। तो आपने फिर भी सीखा, नए ज्ञान को एकत्रित करना, जो न्यू नॉलेज है उसको कलेक्ट करना, विभिन्न प्रकार के एकत्रित ज्ञान, आपने जो अलग अलग जगह से जो ज्ञान कलेक्ट किया है, ठीक है भाई, कुछ नया ज्ञान सीखा है आपने, आपने अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार का ज्ञान सीखा, व्यवहार में आपने परिवर्तन लेके आया, ठीक है। कौशल मूल्यों तथा जानकारियों को संश्लेषित करना अधिगम या सीखना कहलाता है। अब यह अधिगम या सीखना होता क्या है, ठीक है, आपने कुछ भी नया सीखा, हम लाइफ में जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आता ही है, हम हर दिन एक नया ज्ञान सीखते हैं, ठीक है ना,
हमने सबसे पहले सांस लेना सीखा तो वो हमारे लिए नया था, लेकिन आज सांस लेना हमारे लिए बिल्कुल पुराना हो चुका है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि सांस लेने का अच्छा तरीका क्या है ये हम आज नया सीख लें। हो सकता है कि कहाँ पर हमें सांस रोकना चाहिए, कहाँ पर हमें सांस लेना चाहिए, ये भी एक हमें नया नॉलेज मिल जाए। तो कुछ भी नया ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, या आपके पास ऑलरेडी जो पहले से ज्ञान है उसको आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, उसको आप विभिन्न भागों में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। आपने जो अलग अलग जगह से ज्ञान इकट्ठा किया, आपने अलग अलग जगह से जो सीखा उस ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो, आप अपने व्यवहार में किसी भी तरीके का बदलाव लेके आ रहे हो, ठीक है। कौशल मूल्य जानकारियों को आप इकट्ठी कर रहे हो, तो ये सारा सब कुछ क्या होता है, अधिगम होता है। ये सारा सब कुछ क्या होता है, सीखना होता है। तो संश्लेषित का मतलब होता है जोड़ा हुआ ज्ञान। संश्लेषित का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, संश्लेषित का मतलब होता है कि आपके अंदर जो ज्ञान है, आपने जो ज्ञान जोड़ रखा है वो। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वर्धित तथा संशोधन करते हैं। जो अधिगम होता है वो हमारा क्या करता है, हमें एक न्यू एक्सपीरियंस देता है, व्यक्ति के व्यवहार में वर्धित तथा संशोधन करता है। अपना जो बिहेवियर है, हमारा जो नेचर है, हमारा जो बिहेवियर है, उसमें क्या करता है, मॉडिफिकेशन लेके आता है। अधिगम एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें बालक नए अनुभवों से सीखता है तथा उन्हीं अनुभवों से वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है। अनुभव क्या होता है, जो सीखना होता है क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अब आप सोचोगे कि यार अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, ठीक है। जैसे बचपन में हमने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया होगा कि यार ये इनकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इनको हम क्यों सीखते हैं, इनको हम नहीं सीखेंगे, हमें ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आज हम उन चीज़ों को सीख रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार काश उस टाइम हमने इनको सीख लिया होता तो आज हमें दोबारा से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमें तुरंत समझ में आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से समझ में नहीं आती, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सीखने के लिए। तो अधिगम क्या है, ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें बालक नए अनुभवों से सीखता है, बालक न्यू जो एक्सपीरियंस आता है उनसे सीखता रहता है। बालक के जीवन में नए नए एक्सपीरियंस आते हैं, उन एक्सपीरियंस के बेस पर वो नया नया ज्ञान सीखता रहता है तथा इन्हीं अनुभवों से वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे बालक, देखो आपको नहीं, मैं नेट जेआरएफ के बारे में बात करता हूँ। देखो आपने सोचा कि मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करता हूँ, ठीक है, आपको सिलेबस भी नहीं पता था, आपने कहीं से सिलेबस, पहले आपको नेट जेआरएफ के बारे में पता नहीं था कि यार नेट जेआरएफ होता क्या है, ठीक है। आपने यूट्यूब पर सर्च किया, गूगल पर सर्च किया, आपको नेट जेआरएफ के बारे में थोड़ा सा पता चला, आपके अंदर इंटरेस्ट आया, आपने सीख लिया कि नेट जेआरएफ होता क्या है, आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, आपने सीखा कि नेट जेआरएफ का पेपर कैसे होता है, आपने उसका सिलेबस देखा कि भाई दो पेपर पैटर्न देखा कि भाई दो पेपर होते हैं, एक पेपर 100 नंबर का होगा, एक नंबर 200, एक पेपर 200 नंबर का होगा। जो 200 नंबर का पेपर है उसको हम पिछले 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर है 100 नंबर का उसको हम अब भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपको लगा कि यार पेपर को, आपने सिलेबस को देखा, पढ़ा, आपको लगा कि यार ये सिलेबस तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम कर सकते हैं, ईजी है सिलेबस तो, ठीक है। आपने सिलेबस से सीखा, आपने जब सिलेबस को फर्स्ट टाइम देखा था वो आपके लिए नया था, लेकिन जब आपने सिलेबस को पढ़ा तो वो आपको कुछ नया ज्ञान मिला, वहाँ से आपको कुछ आपने सीखा, वो आपके लिए पुराना हो गया, फिर आपने तैयारी शुरू कर दी। तो जब आपने तैयारी शुरू की तब आपको जो सिलेबस, जब आपने सिलेबस के बारे में जाना था, जब आपने सिलेबस का नया ज्ञान लिया था, वो क्या हो चुका था, पुराना हो चुका था। उसके बेस पर आपने क्या किया, आगे सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करना शुरू किया, आपने अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपने पहले नेट जेआरएफ के बारे में जाना कि नेट जेआरएफ होता क्या है, फिर आपने उसका पेपर पैटर्न जाना, फिर उसने आप, उसके बाद आपने उसका सिलेबस पढ़ा, उसके बाद में आपने उसको डिटेल से तैयारी करना शुरू कर दी, ठीक है। आपने एक पेपर भी दिया, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, अब आप परिपक्व हो गए जेआरएफ के मामले में, आप किसी को भी हर जैसा ज्ञान दे सकते हो कि भाई नेट जेआरएफ, अरे यार ये तो चुटकियों का गेम है, आप 2 मिनट में पास कर सकते हो जेआरएफ, ठीक है। जेआरएफ तो 2 महीने का खेल है, 2 महीने का खेल, 2 महीने पढ़ो जेआरएफ, 25-30 लाख पाएंगे 5 साल में। आप भाई साहब सामने वाले को, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले नहीं समझाते कि 5 साल में टक दे 25 लाख, 25 लाख कहीं और से कमाओ, 50 लाख, 50 लाख में 15 लाख का आपने खर्चा कर दिया, 35 लाख बच गए, 35 लाख में आप कोई भी 4-व्हीलर खरीदो, कहीं पर भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, 10 लाख रुपये, 10,000 रुपये मंथली आपके वहाँ से आना शुरू हो गए, ठीक है, एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो आप इस तरीके से भी समझा दोगे उसको, और ये आपने कब समझाया किसी को इस तरीके से, जब आपके अंदर एक परिपक्वता आई, ठीक है। और वो परिपक्वता कब आई, जब आप हर एक नए ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप सीखते गए।
अधिगम जीवन पर्यंत होता रहता है। अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना अधिगम है। अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम एक लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का ये परिमार्जन करता है। परिमार्जन का मतलब होता है उसमें मॉडिफिकेशन करता रहता है। भाई आपके पास स्टार्टिंग में नेट जर्व के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, आपने नया ज्ञान सीखा कि नेट जर्व होता क्या, फिर आपने उसका पेपर पैटर्न सीखा, फिर आपने उसका सिलेबस पढ़ा, फिर आपने उसकी डिटेल से तैयारी की, तो आप में क्या हुआ, आपके व्यवहार में, आपके एक्सपीरियंस में क्या होता गया, मॉडिफिकेशन होता गया, आपका व्यवहार भी बदलता गया, आपका जो एक्सपीरियंस था वो भी बढ़ता गया। अधिगम प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, प्रगतिशील व्यवहार अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। आप अधिगम करते रहोगे, आप सीखते रहोगे, तो आपका व्यवहार बदलता रहेगा और वो एक सही दिशा में बदलेगा। ठीक है, आप जब भी चीजें सीखते रहोगे ना, तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो बिहेवियर है, वो एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से बदलता रहेगा। ठीक है, अधिगम के द्वारा कार्य की निष्पादन क्षमता बढ़ती है। अधिगम के द्वारा काम को कंप्लीट करने की जो कैपेसिटी है ना, वो इंक्रीज होती है। काम को फिनिश करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग होता है। जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होता है, वो हमारा पुराना नॉलेज और हमारा जो नया नॉलेज है, उन दोनों का क्या है, योग है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति का ओवरऑल फाइनली सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब है आपने सोच लिया कि मेरे को लाइफ में हर एक नई चीज सीखनी है। ठीक है, मेरे को ऑलवेज कुछ ना कुछ नया सीखना है। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को तो कुछ ना कुछ नया सीखता रहना है। ठीक है, मेरे को कुछ ऑलवेज नया सीखना है। मेरे अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को हटाना है, फिर से मेरे को कुछ नया सीखना है। तो जब आपके अंदर सीखने का इंटरेस्ट पैदा हो गया ना, आपके अंदर ये जुनून आ गया कि यार मेरे को तो नया सीखना है, तो आपका सर्वांगीण विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। सर्वांगीण विकास का मतलब है कि आपका ओवरऑल बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। आपकी सोचने की कैपेसिटी भी बहुत सही हो जाएगी। आपका मेंटली जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी जो डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो आइडिया मेकिंग की कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपके अंदर इंटरेस्ट है कि यार मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को ऑलवेज नया सीखना है, इंटरेस्ट ले रहे हो आप अधिगम में, तो भाई ओवरऑल आपका सर्वांगीण विकास 100% होना है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक यूनिवर्सल है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम का सबसे मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और अधिगम का प्यारे लाडलो जो सबसे मुख्य उद्देश्य वो है व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में बदलाव लाना। तो व्यवहार में बदलाव लाना अधिगम का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। शिक्षण और अधिगम में अंतर को देखते हैं कि शिक्षण और अधिगम में अंतर क्या है। प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन बनता है। अपना माइंडसेट फिक्स करो कि यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण कुछ ऐसी क्रियाओं का समूह होता है जिन्हें पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष रूप में नियोजित एवं क्रियान्वित किया जाता है। आप शिक्षण कर रहे हो फिलहाल में, आपने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मेरे को जेरप क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरे को जेरप क्वालिफाई करना है। ठीक है, मेरे को इस सब्जेक्ट से जेरप क्वालिफाई करना है, मेरे को इन दोनों सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये पेपर मेरा 100 नंबर का होगा तो मेरे को इसमें 75 या 76 नंबर लेके आने हैं। ये पेपर मेरा 200 नंबर का होना है तो यहाँ पर मेरे को 74 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ये आपने टारगेट ले लिया। क्या ले लिया आपने? ये टारगेट ले लिया। प्यारे साथियों, तो आपने क्या क्या निश्चित कर लिया? आपका टारगेट फिक्स हो चुका है कि मेरे को जेरप क्वालिफाई करना है। आपका सब्जेक्ट फिक्स हो चुका है कि मेरे को इन दो सब्जेक्टों को पढ़ना है। आपका टारगेट फिक्स हो गया है कि मेरे को इतना स्कोर करना है। और फिर आप क्या कर रहे हो? शिक्षण कर रहे हो। किसके लिए? अपने उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए। जो आपका जेरफ का टारगेट है, जो आपका जेरफ का गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए। आपका जो बहुत अच्छा स्कोर करने का टारगेट है, उसे प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हो? फिर हार्डवर्क कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? फिर मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो शिक्षण कुछ ऐसी क्रियाओं का एक समूह होता है जिन्हें हम अपने पहले से जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? उनको करते हैं। अब उनको प्राप्त करने के लिए हम कार्य करते हैं। ठीक है, और जो हम कार्य करते हैं वो क्या होता है? एक निश्चित तो होता है, एक नियोजित काम होता है। जैसे आप, अब भाई मैं एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं आपने दो टाइप के कैंडिडेट देखे होंगे। एक वो कैंडिडेट होते हैं जो दिन रात पढ़ते रहते हैं लेकिन उनके बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आता, उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत कम पढ़ते लेकिन उनका स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है?
कि भाई जिस कैंडिडेट का कम समय में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है उसकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी थी, उसका जो काम करने का तरीका है बहुत अच्छा है, वो एक स्मार्ट स्टडी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी साइड वो भाई साहब जो दिन रात लगे हुए हैं लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनका प्लानिंग सही नहीं है, उनका काम करने का तरीका नहीं है, सही नहीं है, उन्होंने स्मार्ट स्टडी को फॉलो नहीं किया। वो आज किसी दोस्त ने बता दिया यार ये किताब, दूसरे दिन वो किताब लिया उसको पढ़ लिया, 10 पेज उसको पढ़ा, अगले दिन एक दूसरा दोस्त मिल गया उसने बोला कि यार ये किताब ठीक है, वो ले आए, 10 पेज उसके पढ़ दिए, फिर 10 पेज उसके, 10 पेज उसके, भाई पढ़ तो जबरदस्त तरीके से रहे लेकिन क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ लिया उनको खुद को नहीं पता है, ठीक है, इसलिए उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा। दूसरी साइड बंदा दो किताब फिक्स कर लिया कि मेरे को इन दो किताबों को पढ़ना है बस, चाहे कोई कुछ भी पढ़ता रहे मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो उन दोनों किताबों के पीछे लगा हुआ है कि यदि इन दोनों किताबों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं 100% ठीक करूंगा, इस टारगेट के साथ वो पढ़ाई कर रहा है उसका जज हो जाएगा। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण कुछ विशेष क्रियाओं का एक समूह है जो हमारे पहले से निर्धारित जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम उसके प्रोसेस में करते हैं, उस पर काम करते हैं। अधिगम में लक्ष्यों की प्राप्ति या शिक्षण का परिणाम निहित होता है, और जो अधिगम होते हैं ना उसमें लक्ष्यों की प्राप्ति या शिक्षण का परिणाम इंक्लूड होता है। भाई हम जेआरएफ के टारगेट से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, अब आपको पता चले कि भाई हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ये आपको कैसा पता चलेगा? जब आप उसको सीख जाओगे। आप मेरी एक घंटे की क्लास देख रहे हो, आपने एक घंटे टाइम दे दिया, आपने क्या कर लिया, शिक्षण कर लिया मेरे साथ एक घंटा, लेकिन ये एक घंटे में मैंने जो कुछ पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, ये आपको कब पता चलेगा? जब मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या सीखो देखोगे कि यार मेरे को जो सर ने पढ़ाए पिछले एक घंटे में ये सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया। यदि सारा सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि भाई मेरी अब तक की जो शिक्षण प्रोसेस थी वो बहुत अच्छी निकली है, और यदि मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया तो मतलब मैंने अब तक जो पढ़ा है, मैंने अब तक जो एक घंटे का शिक्षण किया है ये मैंने बेमतलब का किया है। तो अधिगम में लक्ष्यों की प्राप्ति या शिक्षण का परिणाम इंक्लूड होता है। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हित के लिए व्यवस्थित किया जाता है। अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है जिसमें मात्र संबंधी व्यक्ति का हित इंक्लूड होता है। जो शिक्षण होता है ना एक सोशल वर्क है, एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हित के लिए व्यवस्थित किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सबसे मेन टारगेट क्या है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो, आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करें, और आप सीख रहे हो तो सीखना आपका पर्सनल व्यक्तिगत है, ठीक है ना, तो सीखने की जो प्रोसेस क्या है एक व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना, और जो शिक्षण होता है वो क्या होता है सामाजिक होता है। आप दूसरों को क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो, यदि आप दूसरों को सिखा रहे हो मतलब आप शिक्षण करा रहे हो, आप खुद सीख रहे हो मतलब आप अधिगम कर रहे हो, ठीक है, आप अधिगम करते हो उसमें आपका खुद का पर्सनल प्रॉफिट इंक्लूड होता है। जो अधिगम की प्रोसेस होता है वो पर्सनल होती है, वो व्यक्तिगत क्रिया होती है, जो शिक्षण प्रोसेस होता है वो सामाजिक प्रक्रिया होती है, सोशल प्रोसेस होती है जो दूसरों के हित में की जाती है। शिक्षण बेचने के समान होता है, अधिगम खरीदने के समान होता है, जाहिर सी बात है, आपने कुछ नया सीखा मतलब आपने खरीद लिया, मैंने आपको कुछ नया सिखाया मतलब मैंने बेच दिया। शिक्षण एक आणविक संकल्पना है, अर्थात यह कई गतिविधियों को दर्शाती है, यह एक मोलर संकल्पना है, इसमें एकल गतिविधि होती है। तो शिक्षण क्या है मेरे प्यारे लाडलो, एक आणविक संकल्पना है जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाती है, ठीक है। दूसरी साइड मेरे प्यारे लाडलो, अधिगम क्या है, एक मोलर संकल्पना है जिसमें केवल एक सिंगल गतिविधि इंक्लूड होती है। यह एक कारण है, शिक्षण क्या है एक कारण है, और अधिगम क्या है परिणाम है, ठीक है। शिक्षण क्यों करते हो आप, एक कारण है कि भाई जेआरएफ क्वालिफाई करना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ये क्या है अधिगम है, ठीक है। तो अधिगम क्या है, एक रिजल्ट है, एक परिणाम है, भाई आपका नेट जेआरएफ की आपने जबरदस्त तरीके से तैयारी की, रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही आपको पता चला कि मेरा जेआरएफ हो गया, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, आपने जो भी कुछ पढ़ा था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था, जिसकी वजह से आपका जेआरएफ हो गया। तो अधिगम क्या था, आपका परिणाम था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया जिसकी वजह से आपका जेआरएफ हो गया, तो वो क्या था, आपका परिणाम था, ठीक है। आप शिक्षण क्यों कर रहे हो, इसका एक कारण है, आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई करने का टारगेट नहीं होता तो आप मेरे साथ नहीं पढ़ते। तो शिक्षण क्या एक रीजन है जिसके लिए हम काम करते हैं, और अधिगम क्या एक रिजल्ट है
जो हमारे काम को इवोल्यूशन करता है, काम का मूल्यांकन करता है। तो शिक्षण हम किसी एक स्पेशल कारण के लिए करते हैं, किसी एक स्पेशल रीजन के लिए करते हैं, और अधिगम एक अपेक्षित परिणाम है जो हमें रिजल्ट को इंडिकेट करता है। यह एक इच्छा पूर्ण करते हैं, ठीक है, शिक्षण का एक इच्छा पूर्ण है, आपका मन कर रहा है तो करो, नहीं कर रहा है तो मत करो। यह एक उपलब्धि या सफलतापूर्वक करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने, देखो कई बार क्या होते हैं हमारे साथ, हमने पूरा डेडिकेशन ले लिया कि आज तो मेरे को समझना है ये टॉपिक, मेरे को 100% समझ के कंप्लीट करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम समझने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, ठीक है, हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाता। तो समझना जरूरी नहीं है कि आप कोशिश करो तो आए। आपने कोई टॉपिक को उठाया, उसको आपने पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा तुरंत समझ में आ गया, ठीक है। एक टॉपिक आपने उठाया, उसको बहुत कोशिश करो लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहा, किसी दूसरे टीचर ने समझाया तुरंत समझ में आ गया। भाई एक टॉपिक था, आपने पढ़ा, एक बार पढ़ा तुरंत समझ में आ गया, दिमाग में सेट हो गया। दूसरी साइड एक टीचर, एक टॉपिक था, उसको आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, बहुत कोशिश की नहीं समझ में आया। एक टीचर के पास गए, उस टीचर ने समझाया, आपको वो तुरंत समझ में आ गया। तो अधिगम क्या थी, एक उपलब्धि थी जो आपको तुरंत मिल गई, कई बार नहीं मिली, ठीक है। जैसे जेरप क्वालिफाई करना भी क्या, एक उपलब्धि है, किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता, तो ऐसे अधिगम है, कभी हमें डायरेक्टली मिल जाता है कभी हमें डायरेक्टली नहीं मिल पाता है। जबकि शिक्षण क्या है, एक इच्छा पूर्ण करता है, एक इच्छा है, हमारा इंटरेस्ट है। जेरप क्वालिफाई करना आपका इंटरेस्ट था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। शिक्षण अधिगम की सुविधा के लिए लक्षित होता है, अधिगम स्वयं की ओर लक्षित होता है, अर्थात खुद का ज्ञान प्राप्त करना होता है। शिक्षण अधिगम की सुविधा के लिए लक्षित होता है, हम शिक्षण क्यों करते हैं, सीखने के लिए करते हैं। भाई आज आप मेरे से क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका टारगेट है कि मैं नेट जेआरएफ के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ सकूं, नेट जेआरएफ के सिलेबस को बहुत अच्छे से सीख सकूं, ठीक है। तो आप मेरे साथ क्यों पढ़ रहे हो, नेट जेआरएफ के सिलेबस को सीखने के लिए, नेट जेआरएफ के सिलेबस को समझने के लिए। मतलब आप जो ये शिक्षण कर रहे हो मेरे साथ जुड़कर, इसमें आपका सबसे बड़ा उद्देश्य है अधिगम करना, नेट जेआरएफ के सिलेबस को सीखना, उसको समझना। अधिगम स्वयं की ओर लक्षित होता है, अधिगम का खुद का सेल्फ टारगेट होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, खुद का ज्ञान प्राप्त करना होता है, ठीक है। शिक्षण नए ज्ञान देने की प्रक्रिया है, अधिगम नए ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अधिगम के द्वारा आपको नया ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षण के द्वारा आपको नया ज्ञान दिया जाता है। शिक्षण एक उद्देश्य मुखी प्रक्रिया है, अधिगम को उपलब्धि प्रक्रिया माना जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो क्या मानना है, शिक्षण एक क्या है, उद्देश्य मुखी प्रक्रिया है, जबकि अधिगम क्या है, एक उपलब्धि वाली क्रिया है। अधिगम में या तो विद्यार्थी सीखता है अथवा वह नहीं सीखता है। अधिगम अकेली प्रक्रिया क्रिया है जिसका उद्देश्य निजी हित में नवीन व्यवहार अर्जित करना है। देखो यहां पर लिखना है आपको शिक्षण, शिक्षण में या तो विद्यार्थी सीखता है या वो नहीं सीखता है, दोनों बातें होती हैं, ठीक है प्यारे साथियों। जो शिक्षण होती है, शिक्षण में दो फैक्ट इंक्लूड है कि या तो वो आपको समझ में आएगा या आपको वो समझ में नहीं आएगा। अधिगम अकेली क्रिया है जिसका उद्देश्य निजी हित में नवीन व्यवहार अर्जित करना है, जबकि जो अधिगम है वो एक अकेली ऐसी क्रिया, एक अकेली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका निजी हित इंक्लूड होता है। और वो आपका निजी हित क्या होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना, आपको कुछ नया सीखना, ठीक है। शिक्षण कार्यपरक प्रक्रिया है, शिक्षण क्या है, एक कार्यपरक प्रक्रिया। अधिगम क्या है, एक निष्पत्तिपरक प्रक्रिया। अधिगम निष्पत्तिपरक क्या है, यह हमें रिजल्ट को दिखा रही है, ओवरऑल जो मूल्यांकन है, जो रिजल्ट है उसको बता रही है। जबकि शिक्षण क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है जो हमें अधिगम तक लेकर जा रही है। शिक्षण का क्षेत्र अधिगम की तुलना में कम व्यापक होता है, अधिगम का क्षेत्र शिक्षण की तुलना में अधिक व्यापक होता है। तो जो शिक्षण का क्षेत्र वो अधिगम की तुलना में कम व्यापक है, जबकि अधिगम का जो क्षेत्र वो शिक्षण की तुलना में ज्यादा व्यापक है। भाई अधिगम का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, जबकि शिक्षण का तो एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी प्यारे साथियों। और अब हम पढ़ेंगे शिक्षण, अनुदेशन और अधिगम में अंतर। तो अब बताओ प्यारे लाडलो, शिक्षण और अधिगम दोनों आपको अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए, दोनों में जो अंतर था वो आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में बिल्कुल इसी तरीके से। और प्यारे लाडलो, जल्द ही अपना एप्लीकेशन आने वाला है, तो प्लीज एप्लीकेशन का नाम जरूर सजेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे लाडलो। फिर मिलते हैं हम ऐसी पॉजिटिव वाली एनर्जी के साथ नेक्स्ट वाली क्लास में।